नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल में बदराम गेंदा क्लब में। जैसा कि हम लोगों ने अभी लास्ट वीडियोस में कॉस डायग्राम के बारे में बात करी थी, आज हम लोग जानेंगे कॉस लैडर डायग्राम क्या होता है। दोस्तों, जो कॉस लैडर डायग्राम होता है वो भी सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए करा जाता है कि क्या क्या हमारे एक्सपेंसिव जो है वो सेलिंग प्राइस के अंदर लगते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि सबसे पहले हमारा लगता है मेटल कॉस्ट, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, जो हर प्रोडक्ट जो होता है वो उसी चीज का बनता है। मेटल कॉस्ट हमारी लग जाती है, लेबर कॉस्ट लगती है, इंजीनियरिंग कॉस्ट लगती है और बर्डन कॉस्ट, जिसको हम अदर एक्सपेंसेस बोल देते हैं। ये चारों चीजें लग जाती हैं जिससे कि हमारे जो काम है उसकी शुरुआत होती है और सेलिंग प्राइस डिसाइड करने का एक बेस जो है हमारा तैयार होता है। फिर इसके जब इन चारों को हम जोड़ देते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के अंदर ये चारों चीजें हमारी आ जाती है। प्राइम मतलब बेसिक कॉस्ट जो है हमारी, ये इन चारों से मिलकर बनती है। जब इनके अंदर हम फैक्ट्री के अलग अलग एक्सपेंसेस को जोड़ देते हैं, तो हमारी जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस और प्राइम कॉस्ट को जोड़ते हैं, तो हमारी जो निकलती है वो मैन्युफैक्चरिंग या फिर फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आती है। तो आप लोग को फैक्ट्री कॉस्ट तक समझ आ गया होगा या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तक। जब इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मतलब जो हमारी सुपरवाइजरी की कॉस्ट है, या फिर जो हमारे सैलरी बनाने वाला डिपार्टमेंट है, जो वहां के एम्प्लॉयज की सैलरी है, वो सब ऐड कर देते हैं, तो हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट निकल के आती है। बिकॉज प्रोडक्शन कॉस्ट सिर्फ लाइन पे डिपेंड नहीं करती, प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर जो प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं उन सब की सैलरीज मैटर करती है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, तब कहीं जाके हमारी जो है वो प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो निकल के आ जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा क्या था, डायरेक्ट कॉस्ट थी सारी, उनको जोड़ा, उससे हमारी जो है प्राइम कॉस्ट आ गई। उसके बाद हमने क्या निकाला आपका, फैक्ट्री की कॉस्ट निकाल ली। उसके बाद हमने क्या निकाल लिया फ्रेंड्स आपका, प्रोडक्शन की कॉस्ट निकाल दी। अब प्रोडक्शन की कॉस्ट जब हमारी निकल के आ जाती है, तो इसके अंदर हम और भी जो भी अलग अलग एक्सपेंसेस है उनको ऐड करते हैं, ताकि हमारा जो लैडर है सेलिंग प्राइस तक का, वो लैडर जो है वो कंप्लीट हो सके। सबसे मेन हमारी बात जो है हमें उस लैडर को कंप्लीट करना है कि वो लैडर किस तरह बन रहा है। तो हमने अभी तक जो भी चीजें पढ़ी हैं, इसके बाद हम आगे जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाती है, फिर हम प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर जो है, प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर हम क्या कर देते हैं, जो हमारे सेलिंग के ऊपर जो खर्चा आता है मार्केटिंग के ऊपर, वो ऐड कर दिया जाता है इसके अंदर। जब सेलिंग और उसका खर्चा ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास जो निकल के आ जाती है वो हमारे पास टोटल कॉस्ट निकल के आ जाती है, कि हमारी कितनी लागत जो है इसको बनाने के अंदर आई है। जब टोटल कॉस्ट हमारी आ गई, इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, सिर्फ हमारे पास रह जाएगा प्रॉफिट, या जिसको हम बोल देते हैं मार्कअप कॉस्ट। जब मार्कअप कॉस्ट इसके अंदर ऐड कर देते हैं, दैट वेयर आवर लैडर टू सेलिंग प्राइस इज कंप्लीटेड एंड इट इज द पॉइंट वेयर सेलिंग प्राइस इज डिसाइडेड। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और ऐसी वीडियोज आप देख सकें। थैंक यू।